के कोरिया में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित की जाती है। दो दिन तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और दर्शकों की जमकर तालियां भी बटोरी। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। यहाँ यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के भरतपुर विकास खंड का एक छोटा सा गांव डोमहरा है। यहाँ पिछले 22 वर्षों से अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सदगुरु क्लब द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र की टीमें भाग लेंगी। दो दिनों तक चलने वाला यह आयोजन इस वर्ष भी हुआ है, जिसमें 12 टीमों ने भाग लिया है। फाइनल मुकाबला बिलासपुर और वाराणसी के बीच खेला गया, जिसमें रेलवे बिलासपुर की टीम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए वाराणसी को शिशक्त देकर विजेता बनी। विजेता और उपविजेता टीम को कप और नगद राशि से सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित विधायक गुलाब कमरों ने दोनों टीम को बधाई देते हुए आने वाले समय में इस आयोजन को शासन प्रशासन के सहयोग से किए जाने की बात कही है। विजेता टीम के कप्तान ललित ने भी आयोजन की सराहना की, साथ ही मिनी स्टेडियम बनवाने और लाइट की व्यवस्था करवाने की घोषणा की। कार्यक्रम में जनपद उपाध्यक्ष दुर्गा शंकर मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह, विधायक प्रतिनिधि अंकर सिंह, समाज सेवी राजेश मिश्रा व सरपंच प्रथम सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यहाँ हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और सामने भी वाराणसी जो टीम थी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद हमारी टीम काफ़ी अच्छा खेली तो विजयी रही। ये जो टीम के लिए अच्छा सपोर्ट भी किया यहाँ के पब्लिक ने, बहुत अच्छा। कैसा लगता है एक छोटे से गांव में आकर के इस तरह से यहाँ पे होता है आयोजन होता है? इतना सारा प्यार दिया तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ के जंगली क्षेत्र। कब से आप लोग यहाँ पे आ रहे हो? अभी ये फर्स्ट टूर्नामेंट, यहाँ तो मैं सेकंड बार आया हूँ। फर्स्ट बार जब पहले आया था पिछले साल तो मैं हार के गया था, तो मैंने सोचा इस बार ये जीत के जाना है। अगली साल बधाई मिल सके। निश्चित रूप से भी पिछले बार हम लोगों ने यहाँ पर आया था, पर चुनाव के टाइम से तुरंत हुआ था, इस कारण हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे। और एक साल कोरोना के कारण यहाँ पर काफी प्रभावित हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिस तरह से खेल को बढ़ाने के लिए खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है, तो आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि इस पर सरकार और प्रशासन के माध्यम से आयोजन कराया जाएगा, ताकि निश्चित रूप से और भव्य अंतर्राष्ट्रीय पर इसका और सरकार लेवल पर इसकी पहचान होगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.